Hello students. Well, let's start with the fourth chapter in your book, Clothes We Wear. कपड़े जो हम पहनते हैं. तो well, आप समझ ही गए होंगे कि इस चैप्टर में हम लोग जो है कपड़ों के बारे में यानी कि क्लोथ्स के बारे में सीखने वाले हैं. एंड हु इज टेकिंग अस थ्रू दिस जर्नी? ऑफ कोर्स स्माइली फेरी एंड राहुल, राइट? स्माइली फेरी जो है वो राहुल को देख के क्या बोलती है? What a lovely dress, Rahul. Where are you going? क्या कहती है स्माइली फेरी? What a lovely dress, Rahul. एक्सक्लेमेशन मार्क है ना? तो वो जो है एक्सक्लेम करते हुए कहती है, क्या लवली ड्रेस है राहुल. Where are you going? तुम कहाँ जा रहे हो? I am taking art in a fancy dress show in school. मैं स्कूल में एक फैंसी ड्रेस शो में हिस्सा ले रहा हूँ. टेकिंग पार्ट मतलब किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना, हिस्सा लेना. आई वॉन्टेड टू गिव यू अ सरप्राइज बट माई क्लोथ्स गेव मी अवे. मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था लेकिन मेरे कपड़ों ने मेरी पोल खोल दी. गिव अवे और टू गिव समवन अवे का मतलब यहाँ पर हो गया किसी का पोल खोल देना. कोई अगर किसी को सरप्राइज देना चाहता हो, है ना, कुछ छुपा के रखना चाहता हो, तो ये बात जो है देखो एहसास करवा देना, दैट इज द मीनिंग हियर. बट माई क्लोथ्स गेव मी अवे यानी कि मेरे कपड़ों ने जो है मेरे सरप्राइज को रिवील कर दिया, सबको बता दिया. सो लेट्स नाउ दे विल टॉक अबाउट क्लोथ्स. नाउ क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड विंड. क्लोथ्स जो है वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं. प्रोटेक्ट का मतलब रक्षा करना. तो क्लोथ्स जो है वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं किस चीज से? किस चीज से हमारी रक्षा करते हैं वो? हीट यानी कि गर्मी, कोल्ड यानी कि सर्दी, रेन यानी कि बारिश एंड विंड हवा. दे कीप अस क्लीन एज दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द डर्ट एंड डस्ट अराउंड अस. क्लोथ्स जो है वो हमें, दे कीप अस क्लीन, वो हमें साफ रखते हैं क्योंकि वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं डर्ट और डस्ट से जो हमारे चारों तरफ है. डर्ट मतलब गंदगी और डस्ट मतलब धूल. तो कपड़े जो हैं वो हमें गंदगी और धूल से भी तो प्रोटेक्ट करके साफ रखते हैं ना. यस, अर्ली मैन यूज टू वेयर लीव्स एंड स्किन ऑफ एनिमल्स. बहुत पहले जमाने के जो लोग थे, आज से 8, 10, 12 हजार साल पहले, तो वो जो है उन्हें हम कहते हैं अर्ली मैन, आदि मानव. ओके, तो अर्ली मैन यूज टू वेयर लीव्स एंड स्किन ऑफ एनिमल्स. अर्ली मैन जो थे वो पत्ते और जानवरों की स्किन को पहनने के लिए यूज करते थे. ओके, वी वेयर क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू द सीजन. हम लोग जो है सीजन के हिसाब से कपड़े पहनते हैं. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कॉटन क्लोथ्स. कॉटन क्लोथ्स मतलब कॉटन के बने हुए कपड़े. कॉटन जिसे कि हम लोग हिंदी में सूती कहते हैं ना. यस, तो सूती के कपड़े या फिर कॉटन क्लोथ्स. वी वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर. हम गर्मी में यानी कि समर में कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं. दे आर लाइट एंड सॉफ्ट सो दे कीप आवर बॉडी कूल. वो जो है हल्के और मुलायम होते हैं इसलिए वो हमारे शरीर को कूल रखते हैं, ठंडा रखते हैं, है ना. कॉटन क्लोथ्स एब्जॉर्ब स्वेट.
फ्रॉम आवर बॉडी। कॉटन क्लोथ्स जो है वो हमारे बॉडी से स्वेट एब्जॉर्ब करते हैं। स्वेट मतलब पसीना, स्वेट, राइट? तो क्या एब्जॉर्ब करते हैं, क्या सोखते हैं कॉटन कपड़े हमारी बॉडी से? दे एब्जॉर्ब स्वेट फ्रॉम आवर बॉडी। अच्छी बात है ना, गर्मी में हमें पसीना ज्यादा चलता है ना, वी स्वेट अलॉट। गर्मी की वजह से हम जो है काफी ज्यादा पसीना चलता है ना, तो कॉटन क्लोथ जो है वो हमारे स्वेट को एब्जॉर्ब करते हैं। वी गेट कॉटन फ्रॉम द कॉटन प्लांट। ये कॉटन प्लांट का फोटो है। तो हमें कॉटन कहाँ से मिलता है? हमें कॉटन जो है वो कॉटन के प्लांट से मिलता है। इट इज देन स्पन इनटू यार्न। फिर जो है इस कॉटन को जो है बुन के किस चीज में बुना जाता है? यार्न में, धागे में, है ना? इस कॉटन से क्या बनता है, इससे हम क्या बुन के बनाते हैं? वेल, इट्स स्पन इनटू यार्न, धागा। दिस यार्न इज वोवेन इनटू क्लॉथ। अब इस धागे को जो है बुन के क्या बनाते हैं? कपड़ा बनाते हैं, है ना? तो आपने यहाँ पर जो है कॉटन लिया और कॉटन को जो है घुमा घुमा के स्पिन करके आपने क्या बनाया? यार्न। स्पिन मतलब होता है घुमाना, नचाना। ओके, आपके घर में जो दादी होंगी ना, या आपकी मम्मी ने भी शायद कभी जो है इस तरीके से कॉटन से धागा बनाया होगा। ओके, तो आप उनसे पूछ भी सकते हैं और शायद वो आपको कॉटन से धागा बना के दिखा भी सकते हैं। ओके, और इस यार्न को जो है बुन के क्या बनता है? क्लॉथ बनता है फैक्ट्रीज में, राइट? तो चलिए, गर्मी में हमने क्या पहना है बच्चों? कॉटन क्लॉथ्स पहना, राइट? कॉटन क्लॉथ्स विच आर कीप अस कूल, राइट? कॉटन क्लॉथ्स आर लाइट, राइट? कॉटन क्लॉथ्स जो होते हैं वो लाइट होते हैं और सॉफ्ट होते हैं, वो हमें कूल रखते हैं और वो हमारे स्वेट को एब्जॉर्ब करते हैं, पसीने को सोखते हैं, राइट? दूसरा जो कपड़ों का टाइप है, दैट इज कॉल्ड वूलन क्लॉथ्स। ऊनी कपड़े, नाम से ही समझ गए होंगे आप, राइट? वूल कम्स फ्रॉम द फर ऑफ शीप। वूल जो है ऊन, वो जो है शीप के फर से आता है। आफ्टर बीइंग कट द शीप्स हेयर इज स्पन एंड वोवेन इनटू वुलन क्लोथ्स। काटने के बाद, यानी कि शीप के हेयर को जो है फर फर को काटने के बाद शीप के हेयर को जो है नचाया जाता है, घुमा घुमा के जो है उसका यार्न बनाया जाता है और फिर उसे वीव करके बुन के क्या बनाया जाता है? वूलन क्लोथ्स। वी वेयर वूलन क्लोथ्स इन विंटर। हम जो है वूलन क्लोथ्स कब पहनते हैं? विंटर में, सर्दी के मौसम में। दे आर वार्म, ये जो है गर्म होते हैं। दे कीप आवर बॉडी वार्म एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड। वुलन क्लोथ्स जो है वो हमारी बॉडी को वार्म रखते हैं, राइट? गर्म रखते हैं और हमें सर्दी से प्रोटेक्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शीप का जो है हेयर वो काटा जा रहा है और फिर यहाँ फैक्ट्री में जो है उसको स्पिन करके उससे यार्न बनाया जा रहा है और फिर दादी जो है वो घर में बैठ के उससे क्या बना रही है? सॉक्स बना रही है, मिटन्स बना रही है, स्वेटर बना रही है, राइट? कैप बना रही है ना? डिफरेंट तरह के जो है वो कपड़े बना रही है। अब इसके बाद जो है बारी आती है सिंथेटिक क्लोथ्स एंड वाटरप्रूफ क्लोथ्स। So we will learn about these clothes in the next lesson. Okay, bye bye.